एक व्यक्ति के तीन दोस्त थे। एक दोस्त जिसको वो बेस्ट फ्रेंड समझता था, सब कुछ उसी के साथ करता था। वह उसी के लिए रहना, जीना, खाना, बहुत लव, बहुत केयर, बहुत अटेंशन देता था उस पर, जो उसका बेस्ट फ्रेंड था। एक और दूसरा दोस्त था, उसे भी वो बहुत फास्ट फ्रेंड समझता था। उसके लिए भी बहुत समय खर्च करता, धन खर्च करता, बहुत शक्तियां लगाता था उसके लिए भी, उसकी भी बहुत केयर करता था। और एक और तीसरा दोस्त था, जिसको देखकर महज मुस्कुरा दिया करता था, जिसको शहरों में कहते हैं हाय बाय फ्रेंड, मिला हेलो हाय हो गई। गांवों में कहते हैं राम रमी वाला दोस्त, राम श्याम हो गया। तो इस तरह से वो उसके साथ ही काफी लंबा समय तक दोस्ती चलती रही। एक दिन उस व्यक्ति पर एक केस आया। अब जब केस की समनिंग हुई तो उसको जाके कोर्ट में हाजिर होना था एक गवाह के साथ। वो बड़े हक से, बड़े अधिकार से अपने पहले दोस्त के पास गया और उसे कहता कि चलो दोस्त, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो उसने पूछा कहाँ चलना पड़ेगा, तो उसने कहा कि कोर्ट से बुलावा आया है, तुम्हें मेरे साथ चलना है, मेरे लिए गवाही देनी है। पहले दोस्त ने मुस्कुरा के उसको उत्तर दिया, देखो भाई, दोस्ती अपनी जगह है, कोर्ट कचहरी के चक्कर अपनी जगह है। मैं तुम्हारे साथ एक कदम भी नहीं चल सकता, तुम तो कोर्ट तक जाने की बात कर रहे हो, तो ये मुश्किल है मेरे लिए, मैं नहीं कर सकता। उसने ये बात कही, उस बेचारे व्यक्ति का तो चेहरा ही मुरझा गया, बहुत बहुत निराश हुआ। उसी निराशा भरे मन से वापिस आ रहा था तो सामने से दूसरा दोस्त मिला। उसने पूछा कि कहो दोस्त, क्या हुआ? तो उसने कहा कि कोर्ट से बुलावा आया है और मुझे जाना है और एक गवाह की जरूरत है, एक केस लगा हुआ है, तो तुम चलो मेरे साथ। उसने रिक्वेस्ट की दूसरे फ्रेंड को। उसने कहा देखो, कोर्ट के दरवाजे तक तो मैं साथ चलूंगा, लेकिन आगे मैं मुश्किल ही है, कोर्ट के अंदर जाना मुश्किल है, ये मेरे लिए थोड़ा कठिन काम है। हाँ, कोर्ट के दरवाजे तक मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो व्यक्ति उसके मुंह देखने लगा कि कोर्ट के दरवाजे तक तो मैं खुद भी चला जाऊंगा, जरूरत तो अंदर है ना, जरूरत तो आगे जाकर है। तो उसने कहा कि ये किस तरह का साथ हुआ? कहते बस इतना ही कर सकता हूं मैं, तो इतनी ही कैपेसिटी है मेरी। तो बहुत ज्यादा निराश हो गया व्यक्ति। वापिस आ रहा था तो उसको सामने से तीसरा दोस्त मिला। उसने बहुत प्यार से पूछा कि कहो दोस्त, कहाँ जा रहे हो? तो उसने बताया कि वो दो दोस्त तो मेरे किसी काम नहीं आए, इसको तो मैंने कुछ दिया ही नहीं, मैंने इसके लिए तो कुछ किया ही नहीं, ये मेरे क्या काम आएगा, फिर भी चलो पूछ रहे हैं तो फिर मैं बता देता हूँ। तो उसने कहा कि कोर्ट से बुलावा आया है और मुझे जाना है, एक गवाह की जरूरत है, कोई गवाह नहीं मिल रहा है मुझे, मेरे साथ चलने वाला कोई नहीं मिल रहा। तीसरे दोस्त ने बड़े आश्चर्य से कहा, बस इतनी सी बात है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, कोर्ट के अंदर भी जाऊंगा, तुम्हारी गवाही भी दूंगा, जहां तक हो सके तुम्हें बचाने की कोशिश करूंगा, चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। ये तीसरा दोस्त था जिसको उसने लगभग इग्नोर किया था। अब आप जरा सोचिए, ये तीनों दोस्त आपके साथ भी हैं और ये आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करने वाले हैं जैसा इसके साथ किया। वो व्यक्ति कोई और नहीं है, आप खुद हैं। पहला दोस्त जिसके लिए सब कुछ न्योछावर कर रखा है, सोचकर देखिए कौन है वो? आपका अपना शरीर। सब कुछ उसके लिए करते हैं, छोटी गाड़ी से काम नहीं चलेगा, लंबी बड़ी गाड़ी चाहिए, शानो शौकत चाहिए, छोटे फ्लैट से बड़ा फ्लैट, बड़े फ्लैट से बड़ी कोठी। इसी तरह उस शरीर को चमकाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए बहुत कुछ चाहिए,
बहुत कीमती कपड़े चाहिए, टोटल समय शरीर का ही ध्यान, अपने शरीर का बचाव सबसे पहले, बहुत समीप का दोस्त है ये आत्मा का, हमेशा आत्मा के साथ ही रहता है, रूह और जिस्म ता उम्र साथ रहे लेकिन एक दूसरे से वाकिफ नहीं हुए, और अंत समय जब बुलावा आएगा सबसे पहले यही बेस्ट फ्रेंड साथ छोड़ देगा। आपकी इतनी मर्जी भी नहीं चलेगी कि मैं यहाँ ना मर के घर में जाके मरूं, इतनी भी आपकी इच्छा या मर्जी काम नहीं कर सकेगी। तो इसीलिए ये पहला दोस्त है जिसके लिए सब कुछ करते हैं, समय शक्तियां लव केयर धन सब लगाते हैं, और ये कभी भी कहीं भी धोखा दे सकता है। दूसरा दोस्त मित्र संबंधी, बीवी बच्चे माता पिता, ये आपके वो दूसरा फ्रेंड हैं जो कोर्ट के दरवाजे यानी शमशान घाट तक साथ जाएंगे, बहुत इज्जत प्यार से लेकर जाएंगे, उसके आगे वो नहीं जा सकते, ना ही वो कोई गवाही देने वाले हैं। ये आपके दूसरे दोस्त हैं जिनके लिए बहुत लव केयर बहुत समय शक्तियां आप खर्च करते हैं। तीसरा दोस्त जिसको आप हाई बाय फ्रेंड बनाकर रखते हैं, वो तीसरा दोस्त है आपके अपने कर्म। कितना परमात्मा की याद से आपने सत्कर्म किए या कितना उसंग के प्रभाव में आकर दुष्कर्म किए, ये कर्म आपके साथ भी चलेंगे, अंदर तक जाएंगे, गवाही भी देंगे, और जो मिलेगा पनिशमेंट या रिवार्ड वो दिलाएंगे भी आपको। तो इसीलिए इस तीसरे दोस्त को पहला दोस्त बनाने की जरूरत है। लोग व्यक्ति संबंधी शरीर कोई काम आने वाला नहीं है, सारा समय उसी पर लगा रहे हैं, अच्छे कर्म आपके साथ चलेंगे, जितना परमात्मा से दोस्ती होगी बुद्धि को ठीक गाइड करेगा और आपको अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देगा। तो तीसरे दोस्त को अपना पहला दोस्त बनाएं। ओम शांति।